बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग हम तीनों बाई प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट है और प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है दिल्ली में, बट फिल्म के प्रति पैशन बचपन से रही है। और नीरज भैया हम लोग के काफ़ी सीनियर मोस्ट हैं, हम पिछले 30 साल से इनको जान रहे हैं, समझ रहे हैं, ये चीज़ें कर रहे हैं। तो हमें अपने प्रोफेशन से जैसे थोड़ा मुझे स्पेस मिला तो हमने आदित्य जी से काफ़ी पीछे डिस्कस हो रही थी, पिछले 1-1.5 सालों से चीज़ें डिस्कस हो रही थी, एक अच्छे स्क्रिप्ट पे काम हो रही थी। तो हम लोग जैसे ही 31 जुलाई से गवर्नमेंट ने, हम लोग बाई प्रोफेशन CA हैं तो थोड़ा सा अपने कामों में व्यस्त रहते हैं, 31 जुलाई को गवर्नमेंट ने 1 महीने के लिए एक्सटेंड करी डेट, 31 अगस्त करी। इसी बीच इनका स्क्रिप्ट आया, हम लोगों ने स्क्रिप्ट देखी समझी, फिर हम लोग डिसाइड किए पैशन था ही आना था ही तो टाइम निकाल के मुंबई चला जाए और इसकी शुरुआत किया जाए। तो इसमें आदित्य जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ जो इन्होंने फेथ करी और इस इंडस्ट्री में हम लोग को यूनाइट होके नीरज भैया पे हम लोग ये किए हैं। इनको तो हम 30 साल से इन दोनों को जान रहे हैं, इन लोग टेक्निकली कितना साउंड है वो आप लोगों को इस पिक्चर के माध्यम से देखने को मिलेगा। प्लस एक और चीज़ है, हम लोग हमेशा डिस्कस कर रहे थे, सुबह हम लोग छोटे बाबा से डिस्कस कर रहे थे उनके रूम पे, जो हम लोगों को फुल इंटरटेनिंग मूवी देनी है जिससे एक जो परिवार के सहित पूरी परिवार फिल्म देखने आए। और हम लोग उपलब्धि इस पिक्चर को मानेंगे जो कम से कम बच्चे और महिलाएं, कोई भी फिल्म या कोई भी आर्टिस्ट तभी सक्सेस होते हैं जब महिलाएं और बच्चे उसको पसंद करने लगे। जहां ये पिक्चर देखने जानी है, मेरी छोटी बेटी है 4 साल की, उसको कुछ समझ नहीं है लेकिन वो सलमान खान की फ़ैन है। मुझे नहीं पता क्यों वो कहां से देखती है क्या देखती है, वो टीवी पे ऐड इतने हीरो हैं, इतने नए ज़माने के हीरो, पता नहीं वो कैसे देखती है क्या समझती है। 4 साल की छोटी बच्ची नर्सरी में पढ़ती है और वो सलमान खान की फ़ैन है, तो ये पता नहीं, ये नहीं कह सकता। हमारा ये प्रयास है और भैया के माध्यम से, भैया के टेक्निक पे, रणधीर जी के टेक्निक पे तो मुझे है ही, हम लोगों को जैसे ही थोड़ा सा स्पेस मिला तो इंडस्ट्री में आए हैं। और आप लोगों का सहयोग देख के, जिन सारे लोगों को मैं आपको जो मैं देखता था मीडिया में स्क्रीन पे देखता हूँ, आज सब लोगों को अवधेश भैया जिस तरह से एक्सेप्ट किए हैं तो ये बड़ी खुशी की बात है हम लोगों के लिए। और थैंक यू वेरी मच, एक अच्छी फिल्म लाने की कोशिश करें, एकदम से है जो पूरी फैमिली इसमें हॉल तक आए, कोशिश है प्रयास है, आप सभी का सहयोग रहेगा। थैंक यू।